नमस्कार, मैं आरके सिंह रिपब्लिक 24 से और हम मौजूद हैं। वो भी मतलब सरकार के सहयोग से, इसमें कोई ये नहीं कि सरकार का पूर्णतया सहयोग मिलेगा जी। और सारे सड़कें खुली हो गई हैं और सारे रास्ते भी कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। तो अगर हम गौशाला की बात करें, आपके पंचायत के अंदर गौशाला कितनी बनी है? गौशाला हमारी पंचायत में कोई नहीं है। अच्छा, आप हाल ही में 3 साल के पीरियड में कोई रोड? रोड हमारा एक नया रोड जो हमारी पंचायत के अंदर निकला, कहाँ पे? वो लिंक रोड ब्राह्मण बांदल वार्ड है हमारा। अच्छा, वहाँ से दूसरे वार्ड को यहाँ हरजन बस्ती के लोग रहते हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल थी उन लोगों को, बड़े दूर था यहाँ से सड़क से। वो लेंथ कितनी होगी इस रोड की सर? तो ये 2 किलोमीटर का है। अच्छा जी। वैसे तो यदि नाले से खड्ड से ऊपर तक देखा जाए तो ये लगभग 4-5 किलोमीटर बनता है। इसमें थोड़ा सा काम पहले हो चुका था। ये रोड पहले नहीं बना था? नहीं, उस बस्ती के लिए रोड नहीं था कोई भी। एक सराहनीय बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस तरह की जो समाज को हित के लेके, जो रोडों को लेके अगर बात करें, डेवलपमेंट अगर हमारी होती है आज की डेट में तो सिर्फ रोड की वजह से। कुछ पिछड़ा, जैसे प्रधान जी ने बताया कि कुछ परिवार ऐसे थे जो काफी सालों से रोड को लेके बड़े परेशान थे, फिर इन्होंने अचीवमेंट की है अपने कार्यकाल में, तो बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहूंगा और पंचायतों के लिए भी आप इन चीजों पे सर्च करिए, आप देखिए ग्राउंड लेवल पे कि हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि काम नहीं होते हैं, काम हर कार्यकाल में होते हैं, काम चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। प्रधान जी, इसके अलावा कोई विकास कार्य जो आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहें? विकास कार्य जो हमारे इस टाइम नीड है सर जी, वो नीड है हमारी पंचायत भवन। अच्छा जी। क्योंकि हमारी पंचायत को बने हुए आज 24 वर्ष हो गए, जो टीरा से अलग होकर के कोट पंचायत। ठीक है जी, ठीक है जी। तो 24 वर्षों में हमारा भवन नहीं बन पाया। किस वजह से? पहले तो ऐसा था कि जब ये पंचायत बनी तो इसमें कुछ एक विवाद उत्पन्न हो गया जी। फिर उसमें वो उसने विवाद में राजनीतिक रंग ले लिया जी। तो इसमें कुछ चाहते थे कि पंचायत कोट में बने जी, और यहाँ के जो लोग थे इस साइड के, वो चाहते थे कि सेंटर प्लेस, जैसे आप देख रहे हैं बांदल से जी, यहाँ से खौदा से हमारा शुरू होता है ये, और ये टीरा तक, तो इसमें ये सेंटर बनता था। फिर उस समय 2 बिस्वा जमीन ली जाती थी पंचायत भवन के लिए जी। तो तत्कालीन जो यहाँ प्रधान थे उन्होंने 2 बिस्वा यहाँ रेस्ट हाउस के साथ जमीन ले ली। बाद में सरकार का वो
नोटिफिकेशन बदल गई कि हम 2 बिस्वाजी जी हम कम से कम जो है 3-4 बिस्वाजी जो है पंचायत के लिए चाहिए। विकास कार्यों को लेके जो है सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे बात करना चाहिए जी। जैसे शांति स्वरूप जी हमारे कहा है कि हमें इतने सालों से हम सफर कर रहे हैं एक पंचायत को लेके। अब देखिए मतलब यदि 4,000 रुपया हम हर महीना किराया दे रहे हैं तो 12×48 ये 48,000 रुपया एक साल का जा रहा है, तो आप लगाइए कि 24 साल में हमने कितना दे दिया। यही पैसा लोगों के डेवलपमेंट में लगना था यदि हमारे पास भवन होता।